छतरपुर के हरपालपुर थाने के कुकरेल गांव में घने कोहरे की वजह से दो बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जब छतरपुर और हरपालपुर से आने जाने वाली बसें आमने सामने से टकरा गईं, जिसमें एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में हरपालपुर और नौगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हरपालपुर से सुनील रिछाड़िया की रिपोर्ट। ये नौगांव से गाड़ी आ रही थी और सामने वाली जो बस थी वो उसका डायरेक्शन बिगड़ गया था, मतलब दूसरी दिशा पे घुस गई थी और वो सामने से आके टकरा गई। इसकी लापरवाही आपको लगती है इस मामले में? वो जो गाड़ी हरपालपुर से आ रही थी वो काफी तेज रफ्तार में चल रही थी। हाँ, काफी तेज रफ्तार, उसने एक ट्रक को और क्रॉस किया था तुरंत ही, तो उसका मतलब डायरेक्शन सही नहीं था। अभी सुबह 8:30 बजे करीब हमें सूचना लगी है कि कुकरेल के पास कोई बस पलट गई है और 100 डायल के द्वारा हमारे पास 5 घायल मरीजों को लाया गया है, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। उनमें से कोई भी अभी ऐसी गंभीर स्थिति में नहीं।